क्वेश्चन नंबर 33, शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज अ थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो, इट्स इनर एंड आउटर रेडियस r1 r2 गिवन एंड v0 इज द वोल्टेज अप्लाइड एट द टू एंड्स एंड करंट i फ्लोज इन स्टेडी स्टेट. ठीक है, पहले यहीं तक देखते हैं. अब पहले तो ये समझो कि ये जो हमको दी हुई है मेटालिक स्ट्रिप, इसका शेप कैसा है. तो देखो, ये जो हमको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ इसका एक तरह से ऐसे समझो कि इसका टॉप व्यू है एक तरह से. इसका थिकनेस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका थिकनेस एक और डायमेंशन होगा इस तरह से. थोड़ा 3D में है ये पूरा का पूरा फिगर 3D में है. तो इधर से करंट एंटर हो रहा है इधर से, तो ये वाली जो थिकनेस है टी, ये हमको दिखाई नहीं दे रही है. अब सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है. तो अब देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम अब ये सेमी सर्कुलर है तो इसमें एलिमेंट हम लोग इसी तरह से सेमी सर्कुलर एलिमेंट ले सकते हैं. तो लेट से कि आर डिस्टेंस पे, ध्यान से देखिएगा, आर डिस्टेंस पे हम लोग ये डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं. अब ये जो डी आर थिकनेस है, ये डी आर थिकनेस तो हमें सामने टॉप फेस पे दिखाई दे रही है, लेकिन इस पूरे एलिमेंट की एक और थिकनेस है, विड्थ है, जो टी है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो अंदर की तरफ है. ठीक है, अब ऐसे देखो कि जब करंट यहाँ से एंटर हो रही है, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं. करंट इसमें इस तरह से फ्लो हो रही होगी. ठीक, तो अगर हम इस एलिमेंट का केवल रेजिस्टेंस लिखें डी आर, तो एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा रो एल, एल की जगह हम लोग लिखेंगे पाई आर, क्योंकि लेंथ जो ट्रेवल हो रहा है वो पाई आर है, अपॉन एरिया. अब एरिया ध्यान से देखो कि एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, तो एरिया में आएगा डी आर और इंटू टी आएगा, टी जो हमको डायमेंशन दिखाई नहीं दे रहा है. अब इस तरह के जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं इसमें, स्ट्रिप्स हैं, वो सारे के सारे पैरेलल में होंगे. कैसे, क्योंकि करंट ध्यान से देखो जब एंटर हो रही है तो एक साथ सभी में डिवाइड हो रही है और फाइनली फिर एक्यूमुलेट होके यहाँ से करंट आई मिल रही है. तो ये सारे डी आर जो होंगे, ये सारे के सारे पैरेलल में होंगे. अब क्योंकि ये पैरेलल में है, तो जब हम लोग 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr बनेगा. तो ये आएगा निकल के इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसमें dr का इंटीग्रेशन करना है ना, हाँ, तो टी अपॉन रो इंटू पाई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर आएगा dr/r, और इसको इंटीग्रेट करेंगे r1 से r2. तो देखो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, तो ये आ जाएगी टी अपॉन रो इंटू पाई एंड ln ऑफ r2/r1. ठीक है, अब अगर हमें करंट चाहिए, तो करंट की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं v/r, तो v0/r इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू हो जाएगी v0t/π(rho) ln of r2/r1. तो पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, करंट की वैल्यू. ठीक, अब इसमें एक और बात बोल रहा है, वो बोल ये रहा है कि जब करंट इसमें फ्लो कर रही है, अब देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो डेफिनेटली जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे. तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, वो भी एक सेमी सर्कुलर पाथ में है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट के. तो m मास माइनस ई चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं i इज इक्वल टू avd, यानी से i इक्वल टू avd एनी से. ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर जा रहे हैं. अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर r रेडियस में घूम रहे हैं, तो इनको r रेडियस में घूमने के लिए कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए. ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें फ्लो करेंगे, तो कुछ नेगेटिव चार्ज इधर और उसका अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स ई प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स ई की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं mv²/r. तो आप देखो यहां से जो ई की वैल्यू आएगी, वो आएगा mvd²/e(r). हालांकि ये जो ई है, ये आर का फंक्शन आया है, और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ट्रांसवर्स में, तो वो हम इसमें e.dr को इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस ऑफ e.dr को. ठीक है ना, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, अब खैर मैं कहूंगा कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो ई के तो प्रोपोर्शनली होगी, और ई जो है वो वी डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है,
और जो VD स्क्वायर है वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी D ऑप्शन भी हमारा करेक्ट I का ही आएगा। और कौन सा सरफेस हायर पे होगा, इनर होगा या आउटर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ चले गए हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेसेस जिनको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं वो अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ है, तो अंदर वाली सरफेस हायर पोटेंशियल पे है और बाहर वाली सरफेस लोअर पोटेंशियल पे है, तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा।